हेलो गाइस, वेलकम टू टेक डेज। आज हम बात करेंगे आईफोन 11 की और कंपेयर करेंगे इसे आईफोन टेन आर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, एप्पल ने तीन नए आईफोन्स लॉन्च किए हैं, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स। अब जो आईफोन 11 है, ये सक्सेसर है आईफोन टेन आर का और डिज़ाइन और डिस्प्ले के मामले में बिल्कुल सिमिलर है आईफोन टेन आर जैसा। तो वो कंज्यूमर्स जिनका बजट 70,000 की रेंज में है, तो उनके मन में कन्फ्यूजन है कि इस साल का नया आईफोन 11 लिया जाए या फिर पिछले साल का आईफोन टेन आर लिया जाए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि प्राइस और स्पेसिफिकेशंस का जो कम्बिनेशन है, वो किस आईफोन को ज़्यादा बेटर डील बनाता है और आपको कौन सा आईफोन लेना चाहिए। डिस्प्ले की अगर बात करें, तो मैं आईफोन टेन आर को पिछले 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। आईफोन 11 में भी जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल सिमिलर है आईफोन टेन आर जैसा। सेम ही 6.1 इंच की LCD पैनल है, सेम ही रेजोल्यूशन है, सेम ही मैक्सिमम ब्राइटनेस है, सेम ही कॉन्ट्रास्ट है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले हैं दोनों फोन्स के, वो एक जैसे हैं बिल्कुल। तो अगर आप फ्रंट में दोनों फोन्स को देखोगे तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। फ्रंट में अगर कुछ अलग है तो वो है फ्रंट का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर जो आईफोन 11 है, इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि आईफोन XR में 7 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा जो आईफोन 11 का कैमरा है, उसमें कुछ नए फीचर्स हैं, जैसे कि आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और आप स्लो मोशन में सेल्फीज ले सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा दोनों की सेल्फीज़ में। आईफोन 11 का जो कैमरा है, इसमें मेगापिक्सल ज़्यादा हैं पर अपर्चर बिल्कुल सेम है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो 4K रिकॉर्डिंग है और जो स्लो मोशन के जो फीचर्स हैं, ये थोड़ा सा बेटर बना देते हैं आईफोन 11 के फ्रंट कैमरा को, अगर आपके लिए ये दोनों फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। रियर कैमरा सेटअप की अगर बात करें, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में काफ़ी फ़र्क है। आईफोन 11 में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, एक प्राइमरी लेंस और एक अल्ट्रा वाइड लेंस, जबकि आईफोन XR में सिंगल लेंस है। इसके अलावा आईफोन 11 में आपको मिलता है नाइट मोड, जिससे आप काफ़ी अंधेरे में भी अच्छी फोटोज़ खींच सकते हैं। इसके साथ पोर्ट्रेट लाइटनिंग के कुछ नए इफेक्ट्स मिल रहे हैं और ऑडियो जूम इन फीचर मिल रहा है वीडियो मोड में। प्रोसेसिंग पावर की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स में। आईफोन 11 में आपको मिलता है नया A13 बायोनिक चिप और 4GB की रैम, जबकि आईफोन XR में आपको मिलता है A12 बायोनिक चिप और 3GB की रैम। अब जो A13 चिप है, ये 20% ज़्यादा फास्ट है और 30% ज़्यादा पावर एफिशिएंट है A12 बायोनिक चिप से। पर जो A12 बायोनिक चिप है और 3GB की रैम है आईफोन XR में, ये ही काफ़ी पावरफुल कम्बिनेशन है परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आप ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आईफोन 11 और आईफोन XR के बीच में आपको कोई खास परफॉर्मेंस डिफरेंस मिलेगा। नॉर्मल यूज़ में जो परफॉर्मेंस होगी, वो दोनों फोन्स की एक जैसी ही होगी। बैटरी लाइफ की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो आईफोन 11 का बैटरी बैकअप है, वो एप्पल के मुताबिक 1 घंटा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आईफोन XR। पर आईफोन XR बैटरी बैकअप के मामले में पहले ही काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा ही मिल रहा है आपको आईफोन 11 में। इसके अलावा जो फ़र्क है दोनों स्मार्टफोन्स में, वो है IP रेटिंग का। आईफोन 11 है IP68 वाटर रेजिस्टेंट, जबकि आईफोन XR है IP67 वाटर रेजिस्टेंट। यहाँ पर जो फ़र्क है वो ये है कि जो आईफोन 11 है, इसे आप 2 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक रख सकते हैं, जबकि आईफोन XR को आप 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक रख सकते हैं। इसके अलावा जो फर्क है दोनों फोन्स में, वो है कलर्स का। आईफोन 11 में आपको कुछ नए कलर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन XR। सिमिलैरिटीज की अगर बात करें, तो दोनों फोन्स का जो डिस्प्ले है वो सेम है, जो थिकनेस है वो सेम है, जो डायमेंशन है वो सेम है, इन हैंड फील सेम है। इसके अलावा बेस वेरियंट में यहाँ पर दोनों फोन्स में आपको 64GB की ही इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और अभी जो आईफोन XR के ऊपर iOS 13 आ जाएगा, तो जो दोनों का सॉफ्टवेयर है वो भी सेम हो जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में 15,000 रुपये का फ़र्क है। आईफोन 11 का जो प्राइस है, वो है 65,000 बेस वेरिएंट का, जबकि आईफोन XR का प्राइस एप्पल ने फिर से ड्रॉप कर दिया है। आईफोन XR आजकल आपको मिल रहा है 50,000 में 64GB, और अभी जो सेल्स आने वाली हैं, हो सकता है उसमें कोई नई कैशबैक ऑफर आ जाए आईफोन XR पे। तो जो प्राइस डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स का, वो मेरे हिसाब से 20,000 तक भी पहुंच सकता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो यहाँ पर 15,000 से 20,000 का जो प्राइस डिफरेंस है आईफोन XR और आईफोन 11 के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा है। और जो फीचर्स हमें मिल रहे हैं आईफोन 11 में, वो कुछ ज़्यादा नहीं है। जो मेन फ़र्क है वो है कैमरास का और प्रोसेसिंग पावर का। इसके अलावा जो दोनों फ़ोन्स हैं, वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो अगर आपके लिए बजट इशू नहीं है, आप इजीली 65,000 स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप बिलीव करते हैं नया फ़ोन लेने में, तो यहाँ पर आप आईफोन 11 ले सकते हैं, क्योंकि आईफोन 11 हर मामले में या तो आईफोन XR से बेहतर है या फिर XR के जैसा है। किसी भी मामले में आईफोन 11 आईफोन XR से नीचे नहीं है। इसके अलावा क्योंकि आईफोन 11 लेटेस्ट मॉडल है, 1 साल बाद का मॉडल है आईफोन XR से, तो iOS अपडेट्स आपको 1 साल ज़्यादा मिलेंगे आईफोन 11 में एज़ कम्पेयर टू आईफोन XR। तो अगर आप अपने फ़ोन को 3-4 साल रखना चाहते हैं,
तो iPhone 11 थोड़ी सी बेटर चॉइस है एज़ कम्पेयर टू iPhone XR। पर अगर बजट आपके लिए कंस्ट्रेंट है तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि iPhone XR प्राइस और फीचर्स का जो कम्बिनेशन है उस मामले में बेटर डील है एज़ कम्पेयर टू iPhone 11। तो यहाँ पर अगर आप कन्फ्यूज़ हैं iPhone XR और iPhone 11 के बीच में और बजट आपके लिए काफ़ी बड़ा फैक्टर है तो फिर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और iPhone XR लीजिए, क्योंकि iPhone XR और iPhone 11 के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ कैमरास का है और प्रोसेसिंग पावर का है। अब जनरल डे टू डे टास्क में और जनरल यूजेज में जो परफॉर्मेंस है वो दोनों फ़ोन्स की सेम ही रहने वाली है, कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड लेंस मिल रहा है आपको आईफोन 11 में, हो सकता है वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल ना हो। और जो फ्रंट में इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं 12 मेगापिक्सल के कैमरे में, जैसे कि स्लो मोशन सेल्फीज़ और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, हो सकता है सभी कंज्यूमर्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स ना हो। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आईफोन XR थोड़ी सी बेटर डील है आईफोन 11 से अगर हम प्राइसिंग और फीचर्स के कम्बिनेशन को कंसीडर करें। पर जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपके लिए बजट इशू नहीं है फिर आईफोन 11 हर मामले में या तो आईफोन XR से बेहतर है या इक्वल है। तो दोस्तों ये था मेरा कंपैरिजन आईफोन 11 और आईफोन XR के बीच में। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।